हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको मदरबोर्ड के प्रकार के बारे में बताने वाले हैं, यानी टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बहुत सारी विशेषताओं और क्षमताओं में उपलब्ध है और ये क्षमता और विशेषता मदरबोर्ड निर्माताओं के ऊपर निर्भर रह करती है। इसलिए मदरबोर्ड का कोई खास प्रकार उपलब्ध नहीं है, मगर इनकी बनावट के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले नंबर पर आता है हमारा इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और सेकंड नंबर पर आता है हमारा नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इनको लाइन वाइज जानते हैं। पहले नंबर से हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड से। जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग से पोर्ट्स बनाए जाते हैं, उन्हें इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। आजकल यही मदरबोर्ड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन मदरबोर्ड के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर के किसी पोर्ट को आसानी से अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड की। जिन मदरबोर्ड में आवश्यक उपकरणों को जोड़ने के लिए पोर्ट्स नहीं होते हैं, उन्हें नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहा जाता है। इन मदरबोर्ड में सीपीयू, रैम आदि को सोल्डर किया जाता है और इन्हें बाद में अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स आदि में इसी प्रकार के मदरबोर्ड का इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जानना कि मदरबोर्ड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनकी डिटेल के बारे में जानना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। थैंक्स।